सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आउटलाइन क्रिएट किया था गिलैंड के थ्रू। जो वीडियो देखो देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। और जो रेफरेंस प्रोग्राम मैं ड्रॉ किया हूँ, वो फोटोग्राफ का लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड में गाइस मैं कलरिंग किया हूँ, जो कि डोम्स का जो ऑयल पिस्टल आता है इसका एक्चुअली गाइस यहाँ पर जो है मैं कलरिंग किया हूँ। तो किस तरह से करनी है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ, कहाँ पर कौन सी ऑयल पिस्टल, जो भी अलग जो भी ड्रॉइंग मटेरियल है वो किस तरह से यूज करनी है आप लोगों को यहाँ पर जो है मैं ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो भी गिलैंड वगैरह मैं ड्रॉ किया था, तो उसको यहाँ पर इरेज किया हूँ, जो कि नीरेबल इरेजर की मदद से यहाँ पर जो देख सकते हो। और जो डोम्स का जो इरेजर आता है तो उसका यहाँ पर यूज करूँ, आप नॉर्मल इरेजर जो आता है 3 या 5 रुपए में उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल शेडिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं डार्क से लाइट शेडिंग करने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर फेस एरिया पर जो कि जो ऑरेंज कलर जो ऑयल पिस्टल है उसका यहाँ पर यूज करूँ, जहाँ पर भी ऑरेंज कलर थोड़ी सी है डेप्थ एरिया है, तो उस एरिया पर जो है मैं ऑरेंज कलर अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ी सी आप लोगों को राउंड तरीके से आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है। और जहाँ पर मीडियम जो ऑरेंज कलर जो इफेक्ट दे रहे हैं, ज़्यादातर तो येलो कलर है, तो जहाँ पर मीडियम थोड़ी सी जो डेप्थ एरिया है तो उस एरिया पर आप लोग को थोड़ी सी कम प्रेशर लगा के आप लोग को यहाँ पर शेडिंग करनी है। तो डार्कर एरिया पर आप लोग को थोड़ी सी प्रेशर लगानी है, और जो मीडियम एरिया है वहाँ पर जो है मीडियम प्रेशर लगानी है। तो अभी देखो जो मीडियम जो येलो कलर आता है तो उसका यहाँ पर यूज करके जो डेप्थ एरिया है वहाँ पर भी, और जो मीडियम डेप्थ एरिया है उस एरिया पर भी मैं मीडियम एरिया मतलब मीडियम येलो एरिया और जो लाइटर एरिया उस एरिया पर भी इसको अप्लाई करने वाला हूँ। जो लाइटर एरिया है वहाँ पर जो है जो लेमन येलो कलर आता है तो उसका आगे अप्लाई करने वाला हूँ। तो आप लोग को राउंड ऑन तरीके से पूरी फेस पर आप लोगों को इस जो दोनों जो तीनों ऑयल पिस्टल, पहले तो हो गया जो ऑरेंज ऑयल पिस्टल उसके जो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद जो मीडियम कलर जो ऑयल पिस्टल आता है मीडियम येलो कलर उसका ही वाला ऑयल पिस्टल, उसके बाद जो लेमन येलो ऑयल पिस्टल तो उसका अप्लाई करके आप लोगों को शेडिंग वगैरह करनी है। तो शेडिंग करने के बाद में मैं जो ब्लेंड करने वाला हूँ। तो पूरी फेस पर पहले आप लोगों को जो ऑयल पिस्टल है उसको अप्लाई कर देने राउंड ऑन तरीके से, जो भी पैचेस वगैरह पड़ रहा है तो उसको भी आप लोगों को अच्छी तरह से फिलअप वगैरह कर देनी है। तो अच्छी तरह से फिलअप वगैरह करने के बाद आगे जो है ब्लेंड करने वाला हूँ। तो अभी देखो जो लेमन येलो कलर है उसका यहाँ पर यूज करना, जहाँ पर भी थोड़ी सी लाइट हो रही है उस एरिया पर, और जो भी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक वगैरह हो रही है उसको मैं इरेज भी कर रहा हूँ यहाँ पर। इरेज मतलब उसको मैं हटा रहा हूँ, जो भी मतलब अलग कलर जो लग गया होता है तो उसको यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। तो अभी देखो मीडियम जो मतलब जो येलो कलर दिया दे दिया लेमन येलो कलर पूरी फेस पर अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अभी थोड़ी सी जो है व्हाइट कलर जो ऑयल पिस्टल आता है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो व्हाइट ऑयल पिस्टल जहाँ पर लाइट पड़ रहा है तो लाइटर एरिया पर, तो उस एरिया पर आप लोग को इसको अप्लाई करने रेफरेंस को स्टडी करते हुए उसके बाद आगे जो है प्लान करने वाला है। तो अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर देने, जहाँ यहाँ पर लाइट पड़ रहा है तो उस एरिया पर आप लोग को अप्लाई कर देने। तो अभी देखो प्लान करने वाला, तो प्लान करने के लिए कैसे आप लोग को जो कॉटन बोर्ड आता है ना उसको आप लोगों को अप्लाई करनी है। तो उसका यूज करके जो है आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करनी है। तो पहले आप लोग को थोड़ी सी कॉटन बोर्ड में जो येलो कलर है उसको ले लेनी है, उसके बाद आप लोग को ब्लेंड करनी है। तो ब्लेंड किस तरह से करनी है, राउंड राउंड तरीके से जो है पहले डार्क एरिया उसके बाद जो है लाइटर एरिया पर आप लोग को ब्लेंड करनी है। तो थोड़ी सी ऑयल पिस्टल ले लोगे तो क्या होगा कि जो ब्लेंड करोगे तो जो है फीका नहीं पड़ेगा, तो इसलिए जो है आप लोग को थोड़ी सी ऑयल पिस्टल यूज करके आप लोग को ब्लेंड वगैरह करनी है। अभी देखो जहाँ पर भी थोड़ी सी डेप्थ ऐड करनी है, मतलब जहाँ पर भी थोड़ी सी ऑरेंज इफेक्ट है तो वहाँ पर थोड़ी सी मैं ऑरेंज जो ऑयल पिस्टल उसका यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए मैं फिंगर से ही मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। अभी देखो जो आई पार्ट है उस पार्ट को बनाने वाला हूँ फेस एरिया कवर होने के बाद। तो आई एरिया पर जो भी कलर है, जैसे कि थोड़ी सी रेड कलर है, थोड़ी सी ऑरेंज भी इफेक्ट है, उसके बाद थोड़ी सी ब्लू कलर है। ब्लू कलर कहाँ पर है गाइस, देखो जो व्हाइट एरिया होता है ना आई में, तो उस एरिया पर थोड़ी सी ब्लू इफेक्ट है, तो वहाँ पर ब्लू कलर, ग्रे कलर और जो व्हाइट कलर है उसका ऑयल पिस्टल है उसका यूज करने वाला हूँ। उसके बाद इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के लिए जो कॉटन बोर्ड है उसका यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसके बाद जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ऑयल पिस्टल भी आगे यूज करने वाला हूँ, जो आईबॉल एरिया और जो भी जो आईब्रो एरिया उस एरिया पर, जो भी आई पार्ट में जहाँ पर ब्लैक ब्लैक एरिया है वहाँ पर डायरेक्ट मैं ब्लैक कलर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी जो ब्राउन कलर ऑयल पिस्टल है उसका यूज नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं ब्लैक एरिया पर जो डायरेक्ट ब्लैक ऑयल पिस्टल यूज करने वाला हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने के लिए वही तरीका जो कॉटन बोर्ड है उसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। आप यहाँ पर जो पेपर स्टोन आता है छोटे एरिया है, तो आप जो पेपर स्टोन आता है जो छोटे वाला, तो उसका यूज करके भी आप यहाँ पर जो है ब्लेंड वगैरह कर सकते हो। तो फर्स्ट आई बनाने के बाद डिटेलिंग जो है लास्ट में करने वाला हूँ। तो तीनों आई पहले बना दूंगा, शेडिंग कर दूंगा ऑयल पिस्टल यूज करके, उसके बाद लास्ट में जो है मैं डिटेलिंग करना, डिटेलिंग ऐड करने के लिए लास्ट में जो है गाइस जो पेंसिल है चारकोला पेंसिल, जो सॉफ्ट चारो पेंसिल आता है कैमली का, या कोई भी ब्रांड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, सॉफ्ट चारो सॉफ्ट वाले जो चारो पेंसिल आता है उसका यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई ब्रांड का जो है टेनी पेंसिल है, आईडी पेंसिल आप यहाँ पर यूज करके जो है डिटेलिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरह से देखो फर्स्ट आई को यहाँ पर मैं बना दिया हूँ, उस तरह से जो है सेकेंड आई और जो माथे में जो फोरहेड में जो एक आई है, तो उन दोनों आई को मैं
बाकी दोनों आई को मैं यहाँ पर जो है उस तरह से मैं बनाने वाला हूँ। तो रेफरेंस को अच्छी तरह आप लोगों को स्टडी करना है, तो कहाँ पर कौन सी कलर है देख के आप लोगों को जो है यहाँ पर अप्लाई करते जाना है। तो थोड़ी सी रेड में थोड़ी सी ऑरेंज भी इफेक्ट होता है, तो उसको देखते हुए आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करते जाना है, और उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके लास्ट में डिटेलिंग करनी है। तो देखो किस तरह से दोनों आई को, मतलब जो तीनों आई को मैं बनाता हूँ, उसके बाद जो है आगे बताऊँगा किस तरह से बाकी पार्ट को बनानी है, जो भी डिटेलिंग वर्क है किस तरह से करनी है। तो यहाँ पर मैं तीनों आई को कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी पहले जो माथे और जो लिप एरिया है उस एरिया से बच गया, तो यहाँ पर जो है रेड कलर यूज किया, और जो लिप एरिया पर जो है थोड़ी सी मैं पहले ब्राउन, उसके बाद रेड, और थोड़ी सी जो ऑरेंज कलर ऑयल पेस्टल है उसके यहाँ पर अप्लाई करके जो है यहाँ पर मैं शेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। उसके बाद ब्लेंड करने के लिए जो कॉटन बोर्ड है उसके यहाँ पर यूज किया, और जो फेस एरिया पर थोड़ी सी वहाँ पर भी जो है यहाँ पर लग रहा है और ज़्यादा शेडिंग चाहिए, तो डेप्थ दीजिए वहाँ पर जो है ऑरेंज कलर पेस्ट यूज किया, अंगूठा साइज जो है ब्लेंड वगैरह कर दिए। तो अभी जो है डिटेलिंग करने वाला हूँ, तो डिटेलिंग ऐड करने के लिए कैसे यहाँ पर जो चारकोल पेंसिल देख रहे हो, जो कैमिन का जो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल आता है उसका यहाँ पर जो है यूज करके यहाँ पर मैं डिटेलिंग वगैरह ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये वाला पेंसिल नहीं, तो अब जो ग्राफाइट पेंसिल आता है, जो डार्कर पेंसिल जैसे कि 6B 8B या 10B पेंसिल, उसका यूज करके जो है यहाँ पर डिटेलिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। डिटेलिंग वगैरह ऐड करने के बाद गाइस लास्ट में जो है मैं स्केचिंग करके जो है हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ, और जो माथे में जो तिलक है तो वहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी साकुरा का जो व्हाइट जी रोल पेन आता है उसका अप्लाई करके जो है उस वहाँ पर जो है व्हाइट एरिया पर जो वो पैटर्न है, तो उसको यहाँ पर मैं जो फूल वगैरह है जो माथे के जो तिलक है तो उसको मैं बनाने वाला हूँ। आप वहाँ पर आप जो है एक्रिलिक कलर, एक्रिलिक कलर जो आता है व्हाइट एक्रिलिक कलर, तो एक्रिलिक कलर तो उसका भी यूज करके जो है आप वहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले डिटेलिंग कर देता हूँ, उसके बाद जो है स्केचिंग करने वाला। स्केचिंग करने के लिए जो कटर या आप कैंची भी, कैंची जो आता है उसका यूज करके जो है यहाँ पर हाईलाइट वगैरह जो स्केचिंग करके जो है आप यहाँ पर हाईलाइट वगैरह कर सकते हो। तो देखो किस तरह से यहाँ पर जो है मैं बनाता हूँ, तो देखो अभी स्केचिंग करने वाला हूँ, तो इसी जो कटर है उसका अप्लाई करके, और बाद में जो साकुरा हरी रोल पेन है उसके लिए थोड़ी बहुत मैं हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। तो देखो किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फेस को बना चुका हूँ, तो अभी पहले जो हेयर पार्ट है तो ऊपर साइड, तो उसको यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो ब्लैक कलर ऑयल पेस्टल है उसका यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, कोई भी अदर कलर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि ब्राउन कलर। थोड़ी सी मैं जो कॉर्नर एरिया है, तो राइट साइड में जो कॉर्नर एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी मैं येलो कलर यूज करने वाला हूँ, येलो व्हाइट कलर ऑयल पेस्टल यूज करने वाला हूँ, जो ऊपर साइड देख सकते हो कॉर्नर एरिया पे, तो वहाँ पर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर ब्लेंड करने के लिए वही मेथड है जो पेपर स्टाइल में उसका यूज, मतलब जो कॉटन कॉटन बोल रहा है उसका यूज यहाँ पर मैं अप्लाई किया हूँ, और थोड़ी सी देखो थोड़ी सी हाईलाइट में दे रहा हूँ हेयर में, तो यहाँ पर येलो कलर ऑयल पेस्टल यूज करके जो है हाईलाइट देके मैं स्मच कर रहा हूँ जो अंगूठा से ही यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी हाईलाइट वगैरह अदर जो टूल स्केचिंग टेक्निक यहाँ पर यूज नहीं कर रहा। उसके बाद साइड में जो जो भी है जैसे जो हैंड वगैरह की थोड़ी सी जो दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर बनाने के लिए जो पहले ब्राउन कलर ऑयल पेस्टल यूज किया, उसके बाद जो है आगे येलो कलर थोड़ी सी रेड कलर भी यूज करने वाला हूँ, और लास्ट में जो है ऑरेंज कलर भी थोड़ी सी यहाँ पर यूज किया। उसके लास्ट में थोड़ी सी ब्लेंड वगैरह करने के बाद थोड़ी सी जो ब्लैक कलर ऑयल पेस्टल है उसका यूज करके जो है ब्लेंड वगैरह करके लास्ट में जो है थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करने वाला हूँ। डिटेलिंग ऐड करने के लिए वही मेथड है, पहले पेंसिल यूज करके थोड़ी सी मैं डिटेल ऐड करूँगा, थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर दूंगा, उसके बाद स्केच वगैरह करके थोड़ी बहुत आगे मैं हाईलाइट वगैरह देने वाला हूँ। नीचे की साइड देख सकते हो जो है वहाँ पर थोड़ी सी ब्लैकिश एरिया, तो वहाँ पर पहले थोड़ी सी ब्राउन यूज किया था, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट ब्लैक कलर यूज करके
यहाँ पर भी प्लान वगैरह कर रहा हूँ, और यहाँ पर डिटेलिंग ऐड करने के लिए जो आउटलाइन का जो एडवी पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर लास्ट में जो है स्केचिंग करके यहाँ पर हाईलाइट वगैरह दे दिया हूँ। तो उसके बाद जो नीचे के साइड जो वस्त्र एरिया आप देख सकते हो, तो उस एरिया पर जो यहाँ पर पहले थोड़ी सी ब्राउन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पर जो ये फोल्डिंग वगैरह है उसको देखते हुए यहाँ पर जो है ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर जो रेड कलर आता है ऑयल पेस्टल उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और थोड़ी सी ऑरेंज कलर ऑयल पेस्टल भी यहाँ पर यूज करके आगे जो है ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले जो फोल्डिंग वगैरह देखते हो, यहाँ पर मैं पहले अप्लाई कर रहा हूँ ब्राउन कलर को, उसके बाद जो रेड कलर ऑयल पेस्टल यहाँ पर देखो तो उसका यूज करके बाकी एरिया पर आप लोगों को पूरी पूरी एरिया पर मतलब आप लोगों को इसको अप्लाई करना है। और नीचे की साइड थोड़ी सी आप लोगों को जो येलो अर्ची कलर है उसका आप लोगों को यूज करना है, जो नीचे की साइड जो राइट साइड की जो नीचे की साइड है उस एरिया पर आप लोगों को यूज करनी है। तो यहाँ पर पहले रेड कलर यूज कर दिया, उसके बाद देखो थोड़ी सी ऑरेंज कलर यहाँ पर यूज कर दिया हूँ, उसके बाद जो है थोड़ी सी मैं फिर से रेड कलर यूज करना देखते हुए रेफरेंस स्टडी कर दिया, थोड़ी सी व्हाइट ऑयल पेस्टल यूज किया, और अभी जो ब्लैक कलर ऑयल पेस्टल उसका भी थोड़ी बहुत यूज करके जो है थोड़ी बहुत यूज किया, ज़्यादा यूज नहीं किया। उसके बाद जो है इसको ब्लेंड कर रहा हूँ जो कॉटन बोर्ड है उसका उसकी मदद से। तो अच्छी तरीके से आप लोग को पैचेस वगैरह को फिलअप करते हुए आप लोग को यहाँ पर ब्लेंड वगैरह करनी है, और थोड़ी सी अभी देखो व्हाइट वाला ऑयल पेस्टल यूज करके जहाँ पर वो हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पर जो है अप्लाई कर रहा हूँ, और जो है अंगूठा से ही यहाँ पर मैं स्मच कर रहा हूँ तो उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है डिटेनिंग ऐड करने वाला हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर येलो कलर भी इफेक्ट है नीचे के साइड, तो वहाँ पर येलो कलर भी यूज कर दिया हूँ। अभी जो है ब्लैक कलर ऑयल पेस्टल है उसका यूज करके यहाँ पर जो है यहाँ पर भी शेडो पड़ रहा है तो डेप्थ एरिया है वहाँ पर जो है इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और जो है अंगूठे से यहाँ पर मैं ब्लेंड वगैरह कर रहा हूँ। तो अभी लास्ट में देखो यहाँ पर जो चारकोल पेंसिल आप देख रहे हो उसका यहाँ पर अप्लाई करके जो भी डिटेनिंग हो रहा है और जो भी शेडो पड़ रहा है जो भी डेप्थ एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है स्केचिंग करके जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पर जो है थोड़ी सी बहुत हाईलाइट देने वाला हूँ जो कटर रहता है उसका अप्लाई करके। उसके बाद जो नीचे की और जो बाकी पार्ट है तो उसको ही बनाने वाला हूँ वही मेथड से। तो वहाँ पर सिर्फ कलर चेंज होगा, वहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगा जो राइट साइड की जो नीचे के साइड जो राइट साइड के कॉर्नर पार्ट है तो उस एरिया पर जो है आप लोग अप्लाई करने येलो और चीट करो, तो उसका अप्लाई करके जो है आगे ब्लेंड वगैरह करके ब्राउन, उसके बाद येलो और चीट उसका यूज करके ब्लेंड वगैरह करके आगे जो है स्केचिंग वगैरह करके डिटेलिंग ऐड करने के बाद स्केचिंग वगैरह करके मैं बनाने वाला। देखो अभी देखो येलो और चीट को आप देख सकते हो उसका यहाँ पर अप्लाई करो, और राउंड तरीके से आप लोग को अप्लाई करनी है रेफरेंस स्टडी करते हुए, उसके बाद देखो ब्लेंड करने वाला हूँ। तो थोड़ी सी रेफरेंस को स्टडी करते हुए यहाँ पर मैं कलर दे रहा हूँ, थोड़ी सी ऑरेंज कलर भी यहाँ पर अप्लाई किया, थोड़ी सी रेड कलर भी अप्लाई किया हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके जो है डिटेलिंग ऐड करने के बाद लास्ट में स्केचिंग वगैरह करके जो भी पैटर्न वगैरह जो भी देखो जो कपड़े में जो पैटर्न होता है ना वो पैटर्न को ऐड करने वाला हूँ। उसके बाद जो ड्राइंग है कंप्लीट होने वाला है, तो ड्राइंग किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना गाइस, इसको जरूर ट्राई करना, जो भी मिस्टेक वगैरह मेरे से हुई है तो सॉरी, और नेक्स्ट ड्राइंग किसकी बनानी है जरूर नीचे कमेंट करना। इसको ड्रॉ करके गाइस जो माँ दुर्गा की ड्राइंग है इसको ड्राइंग को ड्रॉ करके आप मेरे को भेज सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और अभी तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में बजा देना गाइस, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अभी अभी फिलहाल जो है 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, तो कुछ अलग जो है कुछ आने वाला है तो मैं जल्दी बताने वाला हूँ। तो मिलेंगे गाइस बहुत जल्द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।